And ignorant niggas just tryna miss what I said, huh? Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, throw my red dots on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put a black. Hello guys, welcome to our channel Realistic Rudra Arts. और आज हम बनाने वाले हैं क्रिस एवांस की ड्राइंग जो कैप्टन अमेरिका है और एब्सोल्युटली वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर मेरे भी. और साथ ही साथ ही चारकोल पेंसिल और कुछ मटेरियल्स है मेरे, ग्रेफाइट पेंसिल और कुछ हाइलाइटिंग लिए टूल्स और जेल रोल पेन. तो देखिए वीडियो. सो स्टार्ट फ्रॉम द आईज. मैंने आई से स्टार्ट किया और आई को हाईलाइट करने के लिए आपको पहले लेयर देना पड़ेगा, लाइट लेयर, उसके बाद डार्क करना पड़ेगा, धीरे धीरे डार्क करना है. और जो जगह में आपको लाइट जगह चाहिए थोड़ा सा, तो वहाँ आप इरेज कर सकते हो उस जगह को. तो ये ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ही पेशेंसली आप ड्राॅइंग करो. और आईब्रोज को भी ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया है एक एक जगह को. और शेडिंग करने के लिए बेसिकली आप जब ईयरबड का इस्तेमाल करते हो तो ईयरबड में अगर आप खाली उसे यूज़ करोगे तो परफॉर्म करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा. तो इसीलिए उसका जो हैंडल होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, इसलिए यूज़ करने के लिए अच्छा नहीं लगता उसका जो स्टिक होता है. तो इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है तो एक पेन जिसका ऊपर का सारे लिड मैंने निकाल दिया था, उस ऊपर में रख दिया था. तो बेसिकली अभी हम नाक कर रहा हूँ तो बेसिकली नाक भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें भी लाइट टू डार्क शेडिंग ऐसी करनी पड़ती है. ज़्यादा डार्क नहीं है क्रिस एवांस की जो स्किन है, तो इसलिए ज़्यादा डार्क शेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. और बहुत ही लाइटली मैं ड्रॉ कर रहा था, पहले लाइट यूज़ करना पड़ता था और जो जगह डार्क करनी पड़ी वो डार्क करना पड़ता था. और बियर्ड पहले मैंने एक लेयर दिया, उसके ऊपर मैंने सारे बियर्ड्स बनाए और हाईलाइट बाद में दिए. तो और वैसे ही हुआ. तो बियर्ड बनाने के लिए पहले एक मैंने लेयर कर दिया जो एक डार्क लेयर होता है, और जो आउटलाइन है उसे थोड़ा सा डार्क कर दिया जिससे पता चले कि कहाँ बियर्ड है और कहाँ क्या होता है. और उस जगह में ज़्यादा इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो उस जगह वो पहले एक लेयर देना पड़ता था ब्लैक करने के लिए. तो पूरा एक डार्क लेयर देना पड़ा 8B की पेंसिल से, उसके बाद 8B के पेंसिल के बाद हमें करना पड़ा. और हेयर भी, हेयर को करने के लिए मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हेयर थोड़ी सी डिज़ाइनेबल था. और पहले मैंने चारकोल पेंसिल से ऐसे ऊपर शेडिंग कर दी थी, पर उसके बाद इरेज किया और फिर से ड्रॉ किया अच्छे से. और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा हेयर को ड्रॉ करने के लिए, ऐसा अभी स्पीड कर दिया पर हेयर को बहुत ज़्यादा टाइम लगा. तो एंजॉय द वीडियो. बाय. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना. हमारे चैनल में और भी सब्सक्राइबर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. बाय. Of the sun, to dream.